हेलो एवरीवन, बिल्डिंग ड्राइंग के एक और लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक हम लोग बिल्डिंग के प्लान को, सेक्शन को, एलिवेशन को किस तरह से बनाते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब बिल्डिंग का जो हम लोग सब सेक्शन बना रहे थे तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था हम लोग का, कि जो हम लोगों का सेक्शन में जो हम लोग फ्लोर हाइट बना रहे थे, इस फ्लोर हाइट के नीचे जो हम लोगों को फाउंडेशन का डिटेल देना था वो हमारा इनकम्प्लीट रह रहा था, क्योंकि वो आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि फाउंडेशन प्लान सेक्शन क्या होता है, किस तरह से बनता है, क्या क्या उसके क्राइटेरियाज होते हैं, ये आप लोगों को अभी तक नहीं पता है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन प्लान क्या होता है, कितने तरह का फाउंडेशन होता है, किस तरह से हम लोग उसका सेक्शन बनाते हैं, क्या क्या डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये सारा चीज हम लोग आज जानेंगे फाउंडेशन में। फिर इसके बाद आपका क्या होगा कि जब आप सेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका उस प्लिंथ लेवल के नीचे का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको इस फाउंडेशन डिटेल में जो आज आप सीखेंगे वो आप उसमें ऐड कर देंगे, तो उससे आपका बिल्डिंग का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्टेयरकेस कितने टाइप्स के होते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम लोग उसका सेक्शंस ड्रॉ करना सीखेंगे। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, कि आपको स्टेयरकेस का एक प्लान और एक सेक्शन ड्रॉ करना है। और उसके बाद हम लोग, अगर हमारे पास टाइम इनफ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों को एक बिल्डिंग का प्लान, सेक्शन, एलिवेशन एंड फाउंडेशन डिटेल्स के साथ एवरीथिंग जो आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन बनता है, हम लोग वे कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग एक पहले प्लान बनाएंगे गिवन क्वेश्चन के हिसाब से, फिर उसका हम लोग सेक्शन, उसका एलिवेशन, उसका फाउंडेशन डिटेल, ये सारी चीजें हम लोग एक क्लास में करने की कोशिश करेंगे। वो वाला प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर लिए, अगर आप उस ड्रॉइंग को सक्सेसफुली समझ गए और आप उसको ड्रॉ कर लिए जिस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, अगर आपका वो बन गया तो आपका एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग फिर फाउंडेशन पहले स्टार्ट करते हैं, तो फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब फाउंडेशन में हम लोग एक टिपिकल क्वेश्चन ले लिए हैं, ऐसा क्वेश्चन जनरली फाउंडेशन के केस में आता नहीं है अकेला, लेकिन ये क्या होगा कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ये आपको किसी एक बड़े क्वेश्चन के अंदर में गिवन रह सकते हैं। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि आपको बिल्डिंग का प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन बनाना है, तो जब बिल्डिंग के क्वेश्चन में सेक्शन आ जाएगा तो सेक्शन का मतलब है कि कुछ फाउंडेशन का इन्फॉर्मेशन भी उसमें देना होगा। तो ये आपको जो 4-5 पॉइंट्स हैं ये आपको उस क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको उसमें से समझना होगा कि ये क्या चीजें हैं और किस तरह से इसका आपका फाउंडेशन बनेगा। तो फाउंडेशन का पहले हम लोग बेसिक टाइप समझ लेते हैं जो अभी फिलहाल आपके काम आने वाला है। आपके काम आने वाला है पहला ब्रिक वॉल फुटिंग, या हम लोग कह सकते हैं ब्रिक वॉल फाउंडेशन। इसको हम लोग स्प्रेड फुटिंग भी कहते हैं, स्प्रेड फुटिंग। फुटिंग वो होता है जिसके जो है हमारा फाउंडेशन में जो हमारा सॉलिड पोर्शन होता है जिसके ऊपर हमारे टॉप से लोड आता है और उस फुटिंग के थ्रू ही वो ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो हमारा कहलाता है फुटिंग। ये हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एक होता है हमारा ब्रिक वॉल फुटिंग, ये होता है आपका स्प्रेड फुटिंग। दूसरा आपको होता है आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग। तो ये जो आइसोलेटेड फुटिंग होता है ये जनरली आपको आरसीसी के केस में होता है, जब आप कॉलम्स यूज करते हैं अपने बिल्डिंग में, जब आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस कॉलम का लोड जिस फुटिंग पे जाता है वो आपका कहलाता है आइसोलेटेड फुटिंग, अगर वो सिंगल कॉलम को बियर कर रहा है तो। अगर वो मल्टीपल कॉलम को बियर करेगा, 2 कॉलम या 3 कॉलम को, तो वो कहलाएगा आपका कंबाइंड फुटिंग। ये भी आपको आरसीसी के केस में ही होता है, क्योंकि आपको कंबाइंड सिंगल फुटिंग क्या होता है, यह आपका एक कॉलम चल रहा है पिलर, इस आपका सारा लोड जो है वो फ्लोर स्लैब का लोड बीम्स पे, बीम्स का लोड कॉलम्स पे जा रहा है, और ये आपको एक फुटिंग पे जाके रेस्ट कर रहा है और वो आपको ग्राउंड पे जाके लोड ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर आपका जो कंबाइंड होता है ये होता है कि आपका एक ही फुटिंग है थोड़ा बड़े साइज का और इस पे आपके 2 या फिर 3 कॉलम्स आकर के एडजस्ट हो रहे हैं, जो इतने क्लोज है कि उनका अलग अलग फुटिंग देना पॉसिबल नहीं है, तो उसको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो जाता है हमारा कंबाइंड फुटिंग। तो हम लोगों के सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपका सिर्फ स्प्रेड फुटिंग, जो हमारा ब्रिक वॉल का फाउंडेशन होता है ब्रिक वॉल फुटिंग। तो हम लोग उसके ही सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रेम स्ट्रक्चर का नहीं आता है प्लान या सेक्शन ड्रॉ करना, तो फ्रेम स्ट्रक्चर का आपको फाउंडेशन भी नहीं आएगा, तो इसलिए आपको हम लोग ब्रिक वॉल पे ही फोकस करेंगे कि उसका फाउंडेशन हम लोग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। फिर ग्रेजुअली जब आप सिलेबस में अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आगे बढ़ेंगे या फिर आप अपने जब बीटेक के कोर्स में जाएंगे तो आपको ग्रेजुअली बाकी सारे फाउंडेशन के सेक्शन एंड डिटेल्स वो और उसके कैलकुलेशंस वो सारे भी आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से वो किए जाते हैं। जैसे आइसोलेटेड फुटिंग जब आप 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट आएगा जिसको आप डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें आपको ये आइसोलेटेड फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग ये किस तरह से क्या साइज कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आप जानेंगे।
उसके पहले अभी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में, जब आप शैलो फाउंडेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप ये सारे टाइप्स के बारे में पढ़े होंगे कि आइसोलेटेड फुटिंग क्या होता है, कंबाइंड फुटिंग क्या होता है, राफ फुटिंग क्या होता है, पाइप फाउंडेशन क्या होता है, डीप फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ते जाएंगे। तो हम लोग का फोकस आज जो रहेगा वो रहेगा ब्रिक वॉल के फाउंडेशन पे, कि किस तरह से हम लोग ब्रिक वॉल का फाउंडेशन बनाते हैं, ताकि जब आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का एक प्लान और सेक्शन बना रहे होंगे तो उसमें आप उस फाउंडेशन को कम्प्लीटली बना पाए। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ ए सेक्शन ऑफ अ ब्रिक वॉल, मतलब एक ब्रिक वॉल का एक सेक्शन बनाइए। एक्चुअली ब्रिक वॉल फाउंडेशन होना चाहिए, ये ब्रिक वॉल फाउंडेशन का आपको सेक्शन बनाने बोल रहा है। अब क्या क्या कंडीशन गिवन है, डेप्थ ऑफ फुटिंग 120 सेंटीमीटर, इसको अगर हम लोग एमएम में अपना सॉल्व करें तो ये आपको 1200 एमएम में हो जाएगा। विथ ऑफ फाउंडेशन 90 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 900 एमएम। प्लिंथ हाइट 45 सेंटीमीटर, मतलब 450 एमएम। वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर, मतलब 300 एमएम। टू फुटिंग्स ऑफ विथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ये भी समझाएंगे क्या होता है, तो 600 एमएम एंड 400 एमएम। थिकनेस ऑफ फुटिंग 20 सेंटीमीटर ईच, मतलब हर एक फुटिंग का थिकनेस 200 एमएम होगा। थिकनेस ऑफ कंक्रीट जो आप फुटिंग के बॉटम में देते हैं, ये आपको 200 एमएम होता है। और आपको एज्यूम मिसिंग डेटा सुटेबली, ये जो एक लाइन होता है, ये लाइन आपको काफी कन्वीनियंट होता है और आपके मिस्टेक्स होने से बचाता है। इसमें लिखा था एज्यूम मिसिंग डेटा सुटेबली। एज्यूम मिसिंग डेटा सुटेबली का मतलब क्या होगा, कि अगर इसमें ड्राइंग बनाने में आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत है जो इसमें नहीं गिवन है, तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो आप क्या एज्यूम करते हैं, वो क्या इमेजिन कर रहा है कि आप एज्यूम करेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। तो आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग भी हो तो आप उसको खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं, वो अगर आपको एग्जैक्टली क्योंकि इमेजिनेशन क्या है, वो कितना एज्यूम करना है, वो तो इसमें गिवन नहीं है, वरना यहाँ पे गिवन होता है जैसे ये 20 सेंटीमीटर है, आप थिकनेस ऑफ कंक्रीट 20 है, आप 30 एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ आप बाउंड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको क्या होता है कि सारे इन्फॉर्मेशन बता देता है कि जो मिसिंग है आप उसे डबली कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसमें मिसिंग है नहीं क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, लेकिन मिसिंग जैसे क्या है, डीपीसी। अब आपको डीपीसी का थिकनेस नहीं बताया हुआ है, तो और लोकेशन का भी कोई फाइनल करके नहीं दिया, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको छूट मिल जाता है इस लाइन के लिखे होने से। अब वो क्या कह रहा है, सेक्शन बनाने के लिए ब्रिक वॉल फाउंडेशन का। अब सेक्शन बनाने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि आप जो ब्रिक वॉल का सेक्शन बनाते हैं वो सेक्शन कहाँ पे आएगा, ये समझना जरूरी है। अगर हम लोग एक छोटा सा प्लान डिस्कस करें, ये हमारा एक रूम है, इसमें आपका ये ब्रिक वॉल है, इसमें यहां से हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहां पे हमारा डोर है। अब आपको यहां से कह रहा है सेक्शन ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्स। तो हम लोग सेक्शन में क्या सीखे थे, कि हम लोग इसके नीचे वाले पोर्शन को एज्यूम करते हैं कि हम लोग देख ही नहीं रहे, हम लोग सामने की तरफ देखते हैं, तो हमें ये वॉल हमें दिखाई देता है, फिर सामने में ये जो पूरा वॉल है ये इलिवेशन में दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कट नहीं रहा है, ये वॉल कट रहा है, इसलिए ये वॉल आपको सेक्शन में दिखाई पड़ेगा थिकनेस के साथ। ये वॉल आपको सिर्फ इस तरह से चलता रहेगा सामने में। अगर इसमें एक विंडो है, मान लीजिए कि इस वाले वॉल में एक यहाँ पे आपको विंडो है, तो एक अगर विंडो है तो इसमें आपको ये विंडो भी दिखाई पड़ेगा। अब फिर यहाँ पे आपको एक वॉल आएगा, लेकिन इन दोनों क्योंकि यहाँ पे जब आप कट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डोर का जो लिंटल लेवल है वहां तक आपको वॉल नहीं रहेगा। ऐसे ही हम लोग सेक्शन ड्रॉ करते थे, यहाँ पे हमारा वॉल रहता था, हम लोग इसको हैचिंग कर देते थे ताकि पता चले कि ये हमारा ब्रिक वॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा डोर रहता था, तो डोर के बाद में ये दीवार दिखाई पड़ रहा था, हम सिर्फ इसको लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर की तरफ हैचिंग कर देते हैं, तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमारा डोर है। अब यहाँ पे आप वॉल को कट कर रहे हैं, तो वॉल कट करने का मतलब क्या होता है, कि आप अगर इस वॉल को, अगर आप इस बोर्ड को इस तरह से कट कर रहे हैं, तो कट करने का मतलब है कि आप उसको पूरे ग्राउंड तक कट कर रहे हैं। तो हम लोग जब इसको यहां से कट कर रहे थे तो इसका मतलब है कि हम इसको टेरेस से कट करना शुरू किए, फिर हम यहां से ग्राउंड के लेवल तक आ गए। अब ग्राउंड के बाद ये हमारा प्लिंथ लेवल है क्योंकि हमारा फ्लोर है यहाँ पे, हो सकता है ग्राउंड हमारा यहाँ हो, तो ये आपको नीचे तक आएगा ग्राउंड तक, ये आपका ग्राउंड लेवल होगा। अब फिर इसके नीचे ये कुछ इस तरह से फाउंडेशन में चला जाएगा, और इस तरह से आपका हो सकता है कि ये टोटल आपका फाउंडेशन डेप्थ हो, तो ऐसा कुछ होने वाला होगा। तो जब भी आप सेक्शन कट करते हैं तो आप उस पूरे यूनिवर्स में ये बिल्डिंग जहां तक एग्जिस्ट करता है, मतलब इस फाउंडेशन के बॉटम से लेके रूफ के टॉप तक एग्जिस्ट करता है, इसके बाद तो इस बिल्डिंग का और कुछ है नहीं, तो आप ये पूरा ये ड्रॉ करते हैं सेक्शन में, ये हमेशा ध्यान रखना है।
तो इस तरफ आप क्या होगा कि आप ये वाला वॉल को कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वाला वॉल जो है ये आपको ग्राउंड जो आपका है यहां तक, यहां के नीचे तो आपको वॉल होगा ही, लेकिन आपको रूम के हाइट पे आने के बाद यहां पे आपको वॉल नहीं था, क्योंकि यहां पे आकर के ये स्टॉप हो गया इस तरह से, क्योंकि इसके बाद आपको डोर का स्पेस देना था। तो ये वाला फाउंडेशन तो आपको इसके नीचे जो होगा वो आपको दिखेगा ही, बस इसके ऊपर का आपको ये वॉल नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे आपका डोर आ रहा है। तो अब ये वाला हम लोग डिस्कस नहीं किए थे कि ये फाउंडेशन हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो अब हम लोगों को समझना है कि ये फाउंडेशन ड्रॉ कैसे होता है और इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप फाउंडेशन का सेक्शन बनाएंगे तो वो आपको प्लिंथ से ही शुरू होता है। ये आपका प्लिंथ लेवल है, इसको हम लोग पीएल लिखते हैं शॉर्ट में, प्लिंथ लेवल। उसके बाद कुछ हाइट पे आपका डाउन में आपका ग्राउंड फ्लोर होता है, जिसका इस तरह से भी आपका सिंबल दिया रहता है, कई बार आपको यहाँ पे ग्राउंड लिखा रहता है, ग्राउंड लेवल जीएल। जीएल का मतलब है ये बाहर का ग्राउंड है। अब आप जो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप उसका जो फ्लोर हाइट रखते हैं, जो आप ग्राउंड फ्लोर रखते हैं, वो आप ऑब्वियसली रोड लेवल से थोड़ा ऊपर रखते हैं, फ्यूचर कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए। फिर आपका अगर वाटर रेनफॉल होता है कुछ, अगर वाटर लॉगिंग होता है तो वो आपके घर के अंदर ना आ जाए, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप यहां अपना फ्लोर हाइट रखते हैं और यहां से आप इस तरह से स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं नीचे आने के लिए ग्राउंड तक। ऐसा ही कुछ होता है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग ये अभी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा प्लिंथ है, इसके ऊपर हमारा घर बना हुआ है, ये प्लिंथ से ये हमारा ग्राउंड लेवल तक का ये हमारा प्लिंथ हाइट होता है। अब इस ग्राउंड के नीचे आपका फाउंडेशन आता है। अब आपको क्वेश्चन में एक एक करके समझना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। डेप्थ ऑफ फुटिंग, डेप्थ ऑफ फुटिंग आपको 1200 mm गिवन है। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या होता है, जो आपका एक्चुअल ग्राउंड लेवल होता है, जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है उससे जो आपका डेप्थ होता है वो आपको होता है डेप्थ ऑफ फुटिंग, जो इसमें आपको गिवन है 1200 mm। तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्रिक वॉल होगा या कोई सा भी आपका जो फाउंडेशन होगा उसका जो बॉटम है, लोएस्ट पोर्शन, वो आपका 1200 पे है ग्राउंड लेवल से। मतलब इसके नीचे अब आपका सिर्फ मिट्टी ही है, आपका जो भी ब्रिक वर्क्स वगैरह आना है, कंक्रीट फुटिंग आना है, वो सब इस 1200 के लाइन तक ही आएगा। तो आपको पहले ये तीन लाइन हमेशा बना लेना है, आपका प्लिंथ बना लेना है, प्लिंथ के थोड़ा नीचे आपको ग्राउंड बना लेना है। अब आपको एक्चुअली में क्या होगा कि प्लिंथ और ग्राउंड के बीच का आप तो क्योंकि स्केल पे बनाएंगे, तो स्केल पे बनाएंगे तो आपको प्लिंथ का हाइट अगर पता रहेगा तभी तो आप एग्जैक्टली ये फर्स्ट लाइन तो आप रैंडम ड्रॉ करेंगे कहीं पर भी, आप यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ये आपका प्लिंथ हो जाएगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड जो आप ड्रॉ करेंगे ये 1200 है, अगर आप इसको स्केल में यूज करेंगे तो आप स्केल के हिसाब से बनाएंगे, 1:100 लेंगे तो आप इसको 12 cm लेंगे। तो इस तरह से आपको स्केल पता होना चाहिए। तो आपको प्लिंथ और ग्राउंड का आपको देखिए यहाँ गिवन है, प्लिंथ हाइट आपको 45 cm मतलब 450 mm। तो आपका ये जो प्लिंथ है यहां से जो आपका ग्राउंड है ये आपका 450 mm का है। अभी हम सिर्फ स्केल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ टोटल आपको समझाने की बात कर रहे हैं। आप इसको ऑटोमेटिकली स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे और जो भी स्केल, आप इसमें ये नहीं लिखा हुआ है लेकिन एज्यूम मिसिंग डेटा सेट दिया हुआ है, आपको इसमें स्केल नहीं गिवन है, आप स्केल चूज कर लीजिए, आपको कौन सा चूज करना है, 1:50 लेंगे, 1:25 लेंगे, 1:100 लेंगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन से ये पता चल गया कि आपको प्लिंथ हाइट गिवन है 450 mm, तो आप इस प्लिंथ हाइट 450 पे आप एक दूसरा लाइन ले ले रहे हैं। उसके बाद आपको बोल दिया कि डेप्थ ऑफ फुटिंग आपको 1200 mm है, तो डेप्थ ऑफ फुटिंग भी आप ग्राउंड लेवल से लेते हैं, तो ग्राउंड लेवल से 1200 नीचे आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग आ गया, मतलब आपका मैक्सिमम जो आप डाउनवर्ड्स जाएंगे। अब सारी चीजें इस 1200 के बीच में ही होंगी फाउंडेशन की। अब क्या क्या गिवन है, विथ ऑफ फाउंडेशन 900 mm। विथ ऑफ फाउंडेशन क्या होता है कि जो आप एक ब्रिक वर्क देते हैं, जैसे आपका यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये आपका एक ब्रिक वर्क है, प्लान में भी हम लोग देख रहे हैं, तो ये ब्रिक वर्क आपको 300 है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि ये 300 है, लेकिन ये ब्रिक वर्क आपको ग्राउंड में किस तरह से लोड ट्रांसफर करेगा, आपको ये चीज हमेशा दिमाग में एक इमेज बनाना पड़ेगा। आपको एक 300 mm थिक वॉल है, ये वॉल आपको छत से लोड लेकर के ग्राउंड तक आ रहा है। अब ग्राउंड के बाद उसको लोड ट्रांसफर करना होता है सॉइल में, तो वो जो ट्रांसफर का जो लोड का जो ट्रांसफर मैकेनिज्म है, एक चीज हमेशा याद रखना है कि वो 45 डिग्री पे होता है। जैसे ये आपका अगर 300 mm है, मतलब ये ऊपर से आपका सेक्शन में अगर इस तरह से वॉल चला रहा है, तो वो वॉल जब भी आपको सॉइल के कॉन्टेक्ट में आता है तो वहां पे जो आपको वो लोड ट्रांसफर करता है तो वो आपको 45 डिग्री का एंगल बना करके करता है। तो इसका मतलब है कि आप यहां से आने के बाद आप अपना फुटिंग थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। मतलब अब आपको क्या करना है, यही वाला वॉल आपको नीचे जो है, जो इसका थिकनेस 300 था, आप इसका थिकनेस 400 नीचे कर सकते हैं। अभी ये इमेजिनरी वैल्यूज है,
फिर उसके बाद अब क्योंकि ये ट्रांसफर तो इस तरह से होते जाएगा, लोड ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ का लोड आपको यहाँ से जो ट्रांसफर होगा ये भी कुछ इस तरह से 45 बनाएगा, तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ से फिर नीचे आके फिर अपना फुटिंग को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से जब ग्रेजुअल इंक्रीज करते जाते हैं तो नीचे जब आप फाउंडेशन पे पहुंचते हैं 1200 यहाँ डाउन पे, तो यहाँ पे आपको जो वॉल यहाँ 300 का था वो वॉल यहाँ आपको 900 का हो जा रहा है। तो 900 का जब हो जा रहा है तो वहां से जो वो लोड ट्रांसफर करेगा तो उसको ज्यादा एरिया मिलेगा, तो जितना ज्यादा उसको एरिया मिलेगा उतना जो आपका पर मीटर स्क्वायर पे जो लोड का जो कैपेसिटी होगा ट्रांसफर करने का वो आपका रिड्यूस होता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप हैवियर लोड उसके ऊपर पुट कर सकते हैं। आप जितना फाउंडेशन बढ़ा देंगे, आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि आपके ऊपर आपका ये एक पेन है, अब ये आपका टोटल लोड आ रहा है, तो ये टोटल लोड अब जैसे इस पेन के ऊपर आ रहा है तो इससे क्या होगा कि ये पेन जो है ये डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन अब सडनली हम इस पेन के नीचे एक हाथ इस तरह से रख दें, अब इसके ऊपर से हम ये लोड डाल रहे हैं, तो ये लोड क्या होगा इस पेन में गया, पेन से क्या हुआ इस हाथ में गया। अब हाथ पे जब ये लोड जा रहा है तो ये हाथ कुछ इतना चौड़ा है, तो ये क्या कर रहा है कि अब सिर्फ हाथ का ये वाला पोर्शन जहां पे ये पेन लग रहा है सिर्फ ये तो नीचे नहीं जाएगा, ये जब नीचे जाने की कोशिश करेगा तो अपने साथ साथ इन उंगलियों को भी ले जाएगा। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये पूरा हाथ नीचे की तरफ जाएगा, जब ये हाथ नीचे की तरफ जाएगा इसका मतलब है आपको ज्यादा चौड़ा पोर्शन मिल गया नीचे। तो यही कॉन्सेप्ट आपको फुटिंग में भी लागू होता है। एक सिंगल वॉल है आपका 300 mm का, आप उसको क्या करते हैं डायरेक्टली 300 से 1200 नहीं प्रोवाइड करते हैं, आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसके जो थिकनेस है उसको आप इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो लोड जो है वो ग्रेजुअली ट्रांसफर हो। जब ग्रेजुअल लोड ट्रांसफर होगा तो आपका जो सॉयल का बियरिंग कैपेसिटी होता है, आप आगे इन चीजों को पढ़ेंगे तो सॉयल की एक बियरिंग कैपेसिटी होती है कि इतने लोड से ज्यादा आपका सॉयल बियर नहीं कर सकता है, तो वो हर एरिया में हर जगह पे आपको सॉयल की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो उस जगह पे आपका जो सॉयल का कैपेसिटी होगा कि ये इतना किलोमीटर हर मीटर स्क्वायर पे लोड कैरी कर सकता है, तो वो आप जितना जब आप अपना एरिया ही इंक्रीज कर देंगे बॉटम का तो आपको टोटल पर मीटर स्क्वायर ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए अगर आप 3 meter by 3 meter का अगर आप एक फुटिंग बना रहे हैं नीचे और इससे आपका लोड ट्रांसफर होना है तो ये आपको 9 meter square दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको बड़ा कर देंगे तो ये 4 by 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 meter square हो जाएगा। अब आपको ये टोटल कैपेसिटी मान लीजिए कि 1 meter square में अगर वो 100 newton कैरी कर सकता था तो 9 meter square में क्या होगा 900 newton कैरी कर पाएगा ग्राउंड, लेकिन क्या होगा आप इसका बेस को आप बड़ा कर दिए तो ये क्या होगा 1600 तक कैरी कर जाएगा न्यूटन तक। तो ये एक आपका इम्पैक्ट होता है जब आप सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी पढ़ेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, तो उसमें आपको ये क्लियर होगा कि आपको फाउंडेशन के विड्थ का और उसके जो थिकनेस साइज होता है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब आपके पास क्या हो रहा है कि आपको वॉल का साइज गिवन है 300 mm, अब आपको ये तो पता होता है कि वॉल जो आपका 300 mm गिवन है वो आपको ग्राउंड से जो आपका रूफ तक जो वॉल जाता है उसका थिकनेस होता है। अब ग्राउंड के नीचे आपको किस तरह से वॉल का थिकनेस चेंज होगा ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। पहला पॉइंट आप ले चुके हैं 200 mm, दूसरा विथ ऑफ फाउंडेशन है, अभी हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा आपको ये 900 mm गिवन है, थर्ड आपको प्लिंथ हाइट गिवन था, प्लिंथ हाइट आप 450 mm ले चुके हैं, फिर कह रहा है वॉल थिकनेस 300 mm, मतलब अगर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि यहां से हमारा वॉल आ रहा है इस तरह से, तो ये वॉल हमारा ये जो इसका थिकनेस है ये 300 mm है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब कह रहा है टू फुटिंग्स ऑफ विथ 60 cm and 40 cm, मतलब 600 का एक फुटिंग होगा एक 400 का फुटिंग होगा। इसका मतलब है कि जब आप 300 का वॉल दे रहे हैं तो नीचे आपको जब आप ये नीचे की तरफ आएगा मतलब जब आप इस ग्राउंड को पार कर लेंगे, क्योंकि जो वॉल चलता है वो आपको ग्राउंड के नीचे तक आता है, उसके बाद जो उसका फुटिंग इंक्रीज होता है वो आपको पहले आपको 40 हो जाएगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से 30 का ये वॉल चल रहा सेंटीमीटर का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा और फिर उसके बाद ये फिर 60 हो जाएगा, मतलब ये आपका 30 सेंटीमीटर था, ये आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इसके कहने का मतलब हुआ। तो ये 30 और ये 40 है, इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब ये 5 सेंटीमीटर mm में बात करें तो 50 और ये 50, अब ये 40 है और ये 60 है, इसका मतलब है 20 सेंटीमीटर मतलब 200 mm का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब ये 100 और ये 100, तभी तो आप इस टोटल को जोड़ेंगे तो ये 600 बनेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है टू फुटिंग्स का मतलब ये है कि एक वॉल पे दो फुटिंग्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहला फुटिंग हो गया जब आप 300 से 400 पे आएंगे, दूसरा 400 से 600 पे आएंगे। उसके बाद कह रहा है थिकनेस ऑफ फुटिंग्स 20 सेंटीमीटर ईच, मतलब ये जो आपका थिकनेस है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपका 200 mm होगा,
ये भी आपका 200 mm होगा। इन सारे को ना mm में ही लिख देते हैं, ठीक है। तो सारे डायमेंशन जो है अब आपके mm में है, इसको भी 30 हटा देते हैं, ऊपर 300 लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट 20 सेंटीमीटर। ये तो हुआ आपको कि आप ब्रिकवर्क 30 सेंटीमीटर का लाए 300 mm का, फिर आप उसको 400 कर दिए, फिर आप उसको 600 कर दिए। अब ये कह रहा है कि सबसे बॉटम में जब भी आपका लोड ट्रांसफर होता है सॉइल पे, तो सबसे बॉटम में आपका एक कंक्रीट का बेड होता है। इस कंक्रीट के बेड पे ही आपका ये ब्रिक वॉल जो है वो स्टार्ट होता है, और इस कंक्रीट के नीचे में जो आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है वो आपको एक ब्रिक सोलिंग होता है। अब हम लोग ना इसको रिवर्स में बात करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ऐसा इमेजिन करते हैं कि हम लोग ग्राउंड को एक्सकेवेट कर दिए। अब कितना एक्सकेवेट किए, हमारा एक्चुअल ग्राउंड लेवल था यहाँ पे, तो हम लोग 1200 mm ग्राउंड को एक्सकेवेट कर दिए। अब वो कह रहा है ये 1200 जो है ये आपका फाइनल लेवल होगा, जो आपका फुटिंग बॉटम जहां पे होगा। अब हमको इसमें सारा कंडीशंस दे रहा है। मान लीजिए कि आपको ये कंडीशंस नहीं भी देता, तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि फाउंडेशन में जो इंपॉर्टेंट होता है वो बॉटम में आपको एक सॉलिड सरफेस। तो बॉटम में सॉलिड सरफेस का मतलब है कि अर्थवर्क के ऊपर आप एक ब्रिक वर्क पहले प्रोवाइड करेंगे, छोटा सा, मतलब एक ब्रिक थिक, ठीक है। दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट होगा कि अबोव ब्रिक वर्क, BW लिख देते हैं, अबोव ब्रिक वर्क आपको कंक्रीट फुटिंग, ये आपका कंपलसरी कंडीशन है, चाहे आपको गिवन हो या नहीं हो। उसके ऊपर से जो आपका कंपलसरी नहीं होता, इसके ऊपर से होता है कि आपका कंडीशन कि क्वेश्चन में गिवन है, इन क्वेश्चन थिकनेस एंड विथ आर प्रोवाइडेड। मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो आपको एटलीस्ट ये गिवन होगा कि ये जो आप ब्रिक का जो थिकनेस आप चेंज कर रहे हैं, ये आपका किस साइज में चेंज होगा, ये साइज आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या लेने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि ये 400 होगा और ये 600 होगा, वरना आप इसको कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपको गिवन होगा वॉल का कि 300 mm का वॉल है, ये बता देगा कि आपको नीचे 2 फुटिंग दे रहा है या 3 फुटिंग दे रहा है या 4 फुटिंग दे रहा है। उसे अभी क्वेश्चन में आपको गिवन था 2 फुटिंग्स, तो आप क्या किए 2 फुटिंग आप इमेजिन करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा 3 फुटिंग्स, तो आप इसके ऊपर एक और फुटिंग लगाएंगे। अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि कैसे 3 फुटिंग वाला भी करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन था, थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट 20 सेंटीमीटर, मतलब 200 mm, मतलब ये वाला का भी आपको जो थिकनेस था ये आप देखेंगे तो 200 mm क्वेश्चन में गिवन है। अब आप इस टोटल हाइट को जोड़िए, 200 200 200, आप 600 mm प्रोवाइड कर चुके हैं। टोटल आपको फाउंडेशन ग्राउंड से 1200 mm नीचे था। इस ब्रिकवर्क को भी अगर आप 50 mm कंसिडर करेंगे, तो आपको ये 650 प्रोवाइड हो चुका है। मतलब आपके इस वाले लाइन से इस वाले लाइन तक का जो आप हाइट रिमेनिंग रह गया, वो आपको 550 mm रह गया, क्योंकि आपका यहाँ से 20 20 20 60 एंड 565 सेंटीमीटर, मतलब 650 mm प्रोवाइड हो चुका है। अब आपको 1200 ये कह रहा है कि प्रोवाइड करना है आपको ग्राउंड से नीचे। तो अब जो आपकी ये रिमेनिंग 550 है, इस रिमेनिंग 550 में आप क्या करेंगे, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आप ब्रिकवर्क प्रोवाइड करते हैं 300 mm, ये आपके ग्राउंड फ्लोर से, जो आपका बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जिसको आप लोग प्लिंथ लेवल कहते हैं, उससे ऊपर का होता है। तो इससे नीचे जब आप प्लिंथ से लेकर के जो आपका ये फुटिंग का जो लास्ट लाइन होगा, हम लोग इसलिए नीचे से डिस्कस किए कि नीचे से 650 हो गया, मतलब ऊपर से अब आपको 550 बचा है। तो जब आप टोटल जोड़ेंगे तो ये आपको 1 मीटर हो रहा है, 550 एंड 450, दिस इज इक्वल टू यहां से लेकर के यहां तक ये आपको 1 मीटर हो रहा है। ये 1 मीटर में जो आपका ये वॉल चलता है, ये आपको सेम ऊपर वाले वॉल थिकनेस पे नहीं चलता है, और ये यहां से इंक्रीज हो जाता है। अब यहां देखिए, ये वाला आपको गिवन है 400 mm, अब आपका ऊपर का वॉल गिवन था 300 mm, तो अब आप इस 300 के बाद इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज करेंगे, 400 ही इंक्रीज करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि इस 400 वाले को ही आप यहां प्लिंथ पे ऊपर तक ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 400 का वॉल, ये आपका 300 है, ये 400 का चलेगा, ये टोटल प्लिंथ हाइट में चलता है।
आप प्लिंथ हाइट से नीचे जो ग्राउंड फ्लोर आ गए तो ग्राउंड फ्लोर से नीचे आपको 1200 दे रहा है, लेकिन आपको सिर्फ दो ही फुटिंग प्रोवाइड करने कह रहा है और एक आपका कंक्रीट का फुटिंग आएगा, तो तीन फुटिंग में आप 600 ही प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि ये 400 के वॉल को कंटिन्यू नीचे ले आएंगे जहां तक आपका बॉटम से सारा फुटिंग नहीं बन जाता है। तो आप पहले बॉटम से बनाना शुरू करेंगे, तो बॉटम से आपको ये 50 mm पे पहले आप ब्रिक वर्क देंगे, उसके बाद आप बॉटम का सबसे पहले कंक्रीट का डिटेल ढूंढेंगे, कंक्रीट का डिटेल आपको मिल जाएगा कि ये 200 mm वाइड है। अब आपको ये नहीं पता है कि ये कितना बनना है, तो ये आपको गिवन है यहाँ विथ ऑफ फाउंडेशन 900 mm, मतलब ये जो टोटल होगा ये आपका 900 mm ही होगा। ये सारी चीजें जो ये 900 mm आया है, ये जो 200 mm आया है, ये एक्चुअली में कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट करके अलग अलग वॉल के हिसाब से अलग अलग थिकनेस रिक्वायर्ड होती है। बट बिल्डिंग ड्राइंग जब आप पढ़ रहे हैं तो अभी आपका कंसर्न सिर्फ इतना रहेगा कि आप इसको ड्रॉ किस तरह से करेंगे। अभी आप क्योंकि सिर्फ ड्रॉइंग पढ़ रहे हैं तो आपका कंसर्न सिर्फ ये होना चाहिए कि आपके इसके इन्फॉर्मेशन कहाँ गिवन है, आपको ये कहाँ से आएगा, किस तरह आएगा, अभी आपको ये डिस्कस नहीं करना है। तो आप सिर्फ देखिए कि ये 900 क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है, ये 200 क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है, क्योंकि ये दो लाइंस अगर आपको नहीं गिवन होगा तो आप उसको ड्रॉ किस तरह से करेंगे। तो पहले आप एक ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद आप उसमें अपना कंक्रीट प्रोवाइड कर देंगे। अब कंक्रीट प्रोवाइड करने के बाद क्वेश्चन में गिवन था कि आपको 40 और 60 का दो आपको वॉल है, तो जब 900 का आपका टोटल था तो ये वाला डिस्टेंस आपका 150 mm और ये वाला डिस्टेंस आपका 150 mm होता है, जो इन जनरल केस भी यही होता है। जब भी आप कंक्रीट बेड के ऊपर आप जब ब्रिकवर्क प्रोवाइड करेंगे इस तरह से, ये आपका टोटल ब्रिकवर्क है, तो जब आप इस तरह से प्रोवाइड करेंगे तो हमेशा कंक्रीट बेड के ऊपर जब आप फुटिंग देंगे तो वो जो आपको छोटा होगा इस कंक्रीट बेड के विड्थ से, वो आपको 15 cm और 15 cm दोनों तरफ से छोड़ करके ही छोटा होता है। तो जब आप दोनों तरफ से 15 छोड़ेंगे तो 90 cm था ये, तो 30 cm माइनस हो गया, तो मतलब 60 cm हो गया, तो ये टोटल आपको कितना आ जाएगा 600 mm, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन भी है, यहां से ये वेरीफाई भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको टोटल फाउंडेशन का डेप्थ था 1200, जिसमें से आपको विथ कह रहा था कि फाउंडेशन का 900 है, आप 900 प्रोवाइड कर दिए, 1200 भी प्रोवाइड कर दिए। सबसे पहले आपको ये चीजें ही बनानी है। अगर हम लोग इस तरह से देखें, अगर हम लोग इसको इरेज करें, अभी हम लोग अगर वापस जल्दी से जीरो से शुरू करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग ये लाइन बनाएंगे जो 1200 का होगा, फिर ये हमारा लाइन फाइनल हो जाएगा। इसमें हम लोग एक ब्रिकवर्क प्रोवाइड करेंगे। अब ब्रिकवर्क प्रोवाइड करने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि विथ ऑफ द फुटिंग कितना है, तो विथ ऑफ द फुटिंग 900 है, तो हम लोग एक 900 का लाइन लगाएंगे, ये हमारा 900 का लाइन है और यहाँ हम लोग ब्रिकवर्क प्रोवाइड करेंगे। अब ब्रिकवर्क प्रोवाइड हो गया तो इसके ऊपर हम लोग अपना कॉन्क्रीट प्रोवाइड करेंगे। अब ये कॉन्क्रीट कितना हाइट का प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है 20 cm, मतलब 200 mm प्रोवाइड कर दिए। अब ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 200, नीचे से दो हो गया क्लियर। इसके बाद आपको कह रहा है 60 और 40 का सेंटीमीटर का दो फुटिंग है, मतलब 600 mm का। अब इससे 600 प्रोवाइड करेंगे, जिसका मतलब आप सेंटर से ही प्रोवाइड करेंगे, तो सेंटर से ये 450 है। अब आपको यहाँ सेंटर से 600 बनाना है, तो मतलब आप 300 बनाएंगे। तो अगर आप इस तरह से भी बनाना चाहेंगे 300 तो भी यहाँ पे आपको जो ऑफसेट छूटेगा ये 150 mm का छूटेगा, इधर भी आपको 150 mm का ही छूटेगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा हो तो भी आपको ये याद रखना है कि हमेशा फुटिंग के ऊपर जो आप ब्रिकवर्क स्टार्ट करेंगे वो 150 और 150 का सेटबैक छोड़ के होता है। अगर आपको 1200 होता तो यहाँ पहला फुटिंग आपको 900 mm का प्रोवाइड करना पड़ता, क्योंकि आप 150 से ज्यादा ऑफसेट नहीं लेते हैं। जैसे अगर आपका वॉल ऊपर से 300 फिर 400 फिर 600 आ रहा है, लेकिन ये अगर आपको 1200 mm का वाइड दे देता तो आपको क्या करना पड़ता कि खुद से दो फुटिंग देने के बाद आपको एक और फुटिंग प्रोवाइड करना पड़ता, वो आपका 900 का हो जाता अगर ये 1200 होता तो। ठीक है, तो अब आप जब ये 600 प्रोवाइड करेंगे, अब आपको इसका डेप्थ भी चाहिए, ये यहाँ गिवन था कि 200 mm होता है, आप इसको भी 200 mm प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर आप इसको क्लोज करेंगे, फिर वो कह रहा है कि आपको 40 सेंटीमीटर मतलब 400 mm का है, तो 600 में से 400 के लिए मतलब आपको 200 माइनस करना है, तो आप इधर से ये 100 mm और इधर से भी ये 100 mm माइनस करेंगे तो आपका ये 400 mm हो जाएगा। अब यहां पे आपका फाउंडेशन का सारा डिटेल कंप्लीट हो जा रहा है, बट आपका एक्चुअल ब्रिकवर्क जो है वो आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो इतना दूर का जो ये गैप है, ये गैप में 450 तो आपको प्लिंथ हाइट है, लेकिन बचा हुआ जो 550 है ये वाला हाइट, ये आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तभी तो पता चलेगा 1200 में से आप 50 200 200 और ये वाला भी आपका 200 है, तो ये सारा आप 650 प्रोवाइड कर देते हैं तो बचा 550, तो 550 प्लस 450 ये टोटल में आपको ये जो 400 का वॉल है ये आपको सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा, और 400 का जाने के बाद फिर ये 300 का होके ग्राउंड के ऊपर से छत पे चला जाएगा, फिर इसके आगे वो सेक्शन का डिटेल आ जाएगा जो हम लोग बनाते हैं।
ठीक है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट फाउंडेशन डिटेल। इसमें हम लोग हैचिंग जो प्रोवाइड करते हैं ये इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये ब्रिक वर्क है। इसमें हम लोग डॉटेड्स देते हैं, बीच में थोड़े थोड़े बड़े साइज के एग्रीगेट्स दिखा देते हैं, तो इससे ये आपका फुटिंग हो जाता है। अब आपका आता है डीपीसी। क्या आप जब फाउंडेशन में जब आप ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर दिया, आप प्लिंथ लेवल तक आ गए, तो अब आप डीपीसी कहां प्रोवाइड करते हैं? तो डीपीसी प्रोवाइड करने से पहले हम लोग पहले फ्लोरिंग के सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। आप फ्लोरिंग में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग 250 mm का फ्लोरिंग देते हैं, मतलब पहले हम लोग 50 mm का जो ऊपर में होता है ये हमारा टाइल्स और मार्बल्स के लिए हम लोग स्पेस देते हैं। उसके बाद 100 mm में हमारा वो सारा कंक्रीट का जो हम लोग कंक्रीट एंड पेस्टिंग्स वगैरह देते हैं, जिसके ऊपर हमारा ये बॉन्ड की तरह काम करता है और ये हमारा मार्बल उस पर स्टिक हो जाता है। तो ये हमारा कंक्रीट सरफेस होता है, इसमें हम लोग पेस्टिंग करके हमारे यहाँ टाइल्स वगैरह लगा रहता है, ठीक है। तो ये 50 हो जाता है, ये 100 हो जाता है, ये फ्लोरिंग होता है, ये टाइलिंग होता है, और उसके नीचे आप 100 mm का या 50 mm का आप सैंड वगैरह प्रोवाइड करके आप एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और उसके नीचे आप बाकी किसी मटेरियल से फिल करके आप अपना प्लिंथ हाइट को रेस कर देते हैं। अगर आपका 450 के बदले अगर आपका 900 mm ही प्लिंथ हाइट होता तो आप फिर इसमें कोई मटेरियल आप भरते, अर्थवर्क टाइप का मटेरियल होता या ब्रोकन ब्रिक्स होता, तो वो सब आप भर के पहले प्लिंथ हाइट को राइज कर देते हैं, फिर आपको फ्लोरिंग बनाना पड़ता है। तो ये फ्लोरिंग आप जनरली बनाते हैं 250 mm के अंदर में, तो इसका मतलब 250 में फ्लोरिंग होगा तो बाकी जो रिमेनिंग रह जाता है ये आपको 200 रह जाता है। अब आप जब डीपीसी प्रोवाइड करते हैं तो डीपीसी प्रोवाइड करने का फिक्स्ड कोई जगह आपको इसमें नहीं दिया है, तो डीपीसी का सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होता है कि या तो आप इसको स्टार्टिंग में यहां प्रोवाइड कर दीजिए जहां पे आपका 400 का वॉल 300 में चेंज होगा, या तो वहां प्रोवाइड कर दीजिए। अब डीपीसी का थिकनेस क्या लेते हैं, तो जनरली डीपीसी का थिकनेस हम लोग 250 mm लेके चलते हैं, ठीक है। अब आपको फ्लोरिंग जो है ये आप देखेंगे तो ये आपका 50 mm का है, सॉरी 250 mm नहीं, इसको हम लोग जनरली 50 mm ही लेके चलते हैं, 5 cm, ठीक है। अब आपका फ्लोरिंग जो है ये आप 50 mm में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यहां अगर नहीं भी प्रोवाइड करें तो आप यहां पे अपना डीपीसी प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कैपिलरी सिस्टम से वाटर राइज होना है ब्रिकवर्क में, तो वो ब्रिकवर्क से राइज होते होते इस लेवल तक आएगा, यहां पे आपका फ्लोरिंग है, लेकिन इस फ्लोरिंग के ऊपर ये वाटर का जो राइजिंग हो रहा है कैपिलरी सिस्टम से वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ डीपीसी प्रोवाइड कर दिए, और उसके ऊपर से आप चाहें तो 300 mm का अपना वॉल स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं डीपीसी, अगर क्वेश्चन में उसका थिकनेस गिवन है तो ठीक है, वरना आप 50 mm 25 mm आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जनरली आपको 25 से 50 के रेंज में ही आपका डीपीसी प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो इससे आपको फाउंडेशन का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद अगर आपको कहता है कि आप सेक्शन ड्रॉ कीजिए, तो आप इसी फाउंडेशन, कभी कभी आपको क्या कहता है कि क्वेश्चन में इस तरह से कहता है कि सेक्शन ड्रॉ कीजिए एंड फाउंडेशन का डिटेल भी प्रोवाइड कीजिए, तो जब फाउंडेशन का डिटेल भी अलग से मांगता है तो हम लोग इसके लिए एक बार लास्ट क्लास में ऐसा डिस्कस किए थे कि हम लोग अगर सेक्शन बना रहे हैं और सेक्शन हमारा अगर बहुत ही छोटे स्केल पे है, उसमें अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है फाउंडेशन का डिटेल दिखाने में, तो हम लोग इस तरह से बनाते थे कि यहां से हम लोग ये दिखा देते थे टेंटेटिव करके, और इसका हम लोग एक ऐसा सर्किल लगा करके यहाँ डिटेल एक्स इस तरह से शो कर देते थे। अब बाद में हम लोग बड़े वाले स्केल पे नीचे में, कई बार आप बुक्स में भी सॉल्यूशंस में देखेंगे कि आपको नीचे में यहाँ पे ये स्केल अगर आपका 1:100 का चल रहा है तो आप 1:25 का स्केल लेके और बड़े स्केल में आप ये बना करके टोटल इन्फॉर्मेशन के साथ आप दिखा देते हैं कि आपका ये विथ कितना, ये विथ कितना। इसमें आप सिर्फ डायग्राम दिखाते हैं कि आपका 2 फुटिंग आ रहा है और ये कुछ इतना नीचे आएगा, यहाँ पे आप टोटल हाइट दिखा देते हैं बस। बाकी आप इसका डिटेल इस सेक्शन में दिखाने लगेंगे तो वो बहुत टाइट हो जाएगा, क्योंकि आप पेंसिल से अगर इसको बनाएंगे तो आप सारे इन्फॉर्मेशन छोटा छोटा करके आप शो नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करते हैं कि सिर्फ यहाँ पे फाउंडेशन दिखा देते हैं टेंटेटिव कि इस तरह से आ रहा है, लेकिन उसका डिटेल जो है आप एक्स मार्क करके यहाँ पे आप इस तरह से डिटेल एक्स बता करके फाउंडेशन सेक्शन इस तरह से आप बना देते हैं, और उसका आप यहाँ पे सारा ये थिकनेस के साथ कि ये कितना वाइड है, ये आपका कितना डीप है, फिर ये वॉल का थिकनेस कितना था, ये सारा चीज आप इसमें शो कर देते हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है फाउंडेशन का सेक्शन। और जब आप बिल्डिंग सेक्शन बनाते हैं तो उसमें ये वाला इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग था वो यही था जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। तो फाउंडेशन का कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन 15 मार्क्स और 10 मार्क्स के बनते हैं, तो एक फाउंडेशन का सेक्शन सिर्फ आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं हो सकता है,
तो इसलिए आपको ये बहुत ज्यादा चांस है कि जो आप बिल्डिंग के सेक्शन वाला क्वेश्चन हम लोग जो लास्ट क्लास तक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेक्शन एंड एलिवेशन बनाते थे, तो हो सकता है कि आपको एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन में बिल्डिंग का सेक्शन बनाने बोल दे, एक लाइन डायग्राम दिया रहेगा उसके हिसाब से बोल देगा कि इसका बिल्डिंग का सेक्शन बनाइए, तो आप उसका सेक्शन बनाइएगा और उसमें जो फाउंडेशन का डिटेल होगा वो ये कुछ क्वेश्चन आपको 3-4 पार्ट आपको क्वेश्चन में गिवेन होंगे, तो आपको उससे देख करके आपको वो पूरा फाउंडेशन का डिटेल उतारना पड़ेगा। तो बेसिक चीज याद रखना है कि फाउंडेशन होगा तो फाउंडेशन में जमीन पे पहले एक ब्रिकवर्क प्रोवाइड होके हार्ड सरफेस प्रोवाइड होगा, उसके ऊपर आपका कॉन्क्रीटिंग होगा जो आपके ब्रिकवर्क को एक हार्ड सरफेस देगा, उस कॉन्क्रीटिंग के ऊपर से आपको जितना भी टाइप का फुटिंग बोलता है, जैसे फुटिंग का विड्थ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, अगर ये आपको 2 दिया हुआ है तो आपको उसके ऊपर 2 स्टेप करके आपको फुटिंग बनाने हैं और उसके ऊपर आपको वो प्लिंथ हाइट तक जाएगा, प्लिंथ के बाद ही आपका ये जो वॉल थिकनेस है 300 mm ये हमेशा आपका टेरेस से लेकर के आपका प्लिंथ हाइट तक ही रहता है, उस प्लिंथ से ग्राउंड तक का जो हाइट होता है उसमें आपका आप इस थिकनेस को सुटेबली इंक्रीज कर देते हैं। अगर इसमें गिवन है, कई बार आपको क्वेश्चन में ना एक और पार्ट यहाँ पे गिवन रहता है, ये 7th के बाद 8th पार्ट दे देगा, थिकनेस ऑफ वॉल इन प्लिंथ ये बोल देगा 400 mm, तो अब आप क्या हो गया, अब आप बाउंड हो गए, अब आप जब 30 सेंटीमीटर का या 300 mm का जब आप वॉल ऊपर चला रहे थे यहां से आप प्लिंथ तक आए थे, तो अब आपको इसके नीचे 400 mm का ही वॉल चलाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में वो गिवन है, और उसके आगे अगर आपको ये सब अगर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, डायरेक्टली आपको विथ ऑफ द फुटिंग गिवन है, तो आप अपने हिसाब से 2 फुटिंग या 3 फुटिंग एज्यूम करके आप थोड़ा थोड़ा सा उसका विथ बढ़ाते हुए आप नीचे बॉटम में जो आपका पीसीसी आएगा आप इस पीसीसी तक पहुंच सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि अगर ये पीसीसी आपको 1200 mm गिवन है क्वेश्चन में और ये वाला बॉल आपको 300 गिवन था और प्लिंथ में भी बोल दिया था कि ये आपको 400 होगा, अब आपको इस 400 से 1200 तक जाना है, ये तो आपको पता है, ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये आपका 150 mm ही रहेगा हर केस में। तो जब पीसीसी के ऊपर से आपका अगर 150 माइनस करेंगे आप दोनों तरफ तो आपको ये वाला जो विथ है ये आपका 900 ऑटोमेटिक आपको निकल गया, ये खुद ही आ जाएगा, जब ये 9 आ जाएगा तो अब आप जब इसको 150 माइनस किए हैं तो आप इसको थोड़ा और कम माइनस करते हैं तो आप इसको क्या करेंगे 100 mm माइनस करेंगे, ये 100 mm हो जाएगा। तो जब आप 900 में 100 माइनस कर रहे हैं इसका मतलब ये आपका 700 हो जा रहा है, तो फिर 700 में आपको अब यहाँ पे ये 400 है तो मतलब आपको 300 आपको माइनस करना है, तो आप 300 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि आप 100 माइनस कर रहे हैं, तो आप फिर से क्या करेंगे 100 माइनस करेंगे, तो 100 माइनस करेंगे तो यहां आपको 500 आ जाएगा, फिर आप 500 आने के बाद अब आपका यहां ग्राउंड फ्लोर हो गया ग्राउंड लेवल, अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे इस तरह से 400 का अपना फाउंडेशन प्रोवाइड कर देंगे, तो 400 प्रोवाइड करेंगे मतलब 100, तो यहां आप 50 माइनस करेंगे, फिर आप यहां 50 माइनस करेंगे, इस तरह से भी आपको बनता है ये फाउंडेशन का सेक्शन। ये चीज आपको क्वेश्चन के कंडीशंस पे गिवन होगा कि आपको अगर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप सबसे पहले बॉटम का विड्थ देखिए, इसका डेप्थ देखिए, ये बनाइए, और इस डेप्थ को देखने के साथ साथ ये भी ध्यान देना कि ये टोटल आपको कितने डेप्थ का है, अगर ये 900 डेप्थ का है आप इसको अगर यहाँ 200 प्रोवाइड कर रहे हैं फिर इसको भी 200 प्रोवाइड कर रहे हैं और इसको भी 200 प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आप यहां से लेकर के बॉटम तक में 600 प्रोवाइड कर चुके हैं, इसका मतलब आपको बचा ऊपर से 300 mm, तो अब आपको ये देखना है कि 300 का मतलब है कि आप सिर्फ एक ही फुटिंग और एडजस्ट कर सकते हैं 200 mm का, उसके बाद तो ये ग्राउंड से ऊपर आ जाएगा, तो आप कोई भी फुटिंग ग्राउंड से ऊपर तो कभी देखते नहीं है, तो जब भी आपका जो ये फुटिंग्स होगा ये हमेशा आपका ये जो ग्राउंड लेवल होगा इस ग्राउंड लेवल से फुटिंग के बॉटम तक के अंदर ही होगा, प्लिंथ पे आपको सिर्फ एक वॉल चलेगा जो कि आपको ब्रिक वॉल के एक्चुअल थिकनेस से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा और कोई डिटेल नहीं है आपको फाउंडेशन के सेक्शन में। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, आप एक बार और देखिए वीडियो को, आपको थोड़ा डाउट लगेगा तो आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, आप अगर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर के आप वहाँ मैसेंजर में चैट कर सकते हैं मुझसे, और आप अपने अगर कोई रिलेटेड डाउट्स है तो वो आप पूछ सकते हैं, आप डिफरेंट बुक्स के सॉल्यूशंस को देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हो सकेगा तो फाउंडेशन का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन का आपको नोट्स गिवन रहेगा, तो आप उसको भी जा करके देखिए, आप बनाने की उसको कोशिश कीजिए, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर आपका एक 15 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग का प्लान डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन एलिवेशन डिस्कस कर चुके थे, ये फाउंडेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपका वो पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार जाइए इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉपी पे फ्री हैंड बनाइए, फिर आप इसको समझिए कि आपको ये पीसीसी है तो कहाँ गिवन होगा, आपको फाउंडेशन का डेप्थ कितना है, उसमें से आपको कितना माइनस करना है, ये सिंपल आपको मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस है, तो इन सारी चीज़ों को कीजिए आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।
तो आई होप आपको आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल से रीडिंग माय डैड सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।